तीन विदेशी, उनमें से एक मैं, दो एक अमेरिकन था, एक जापानी थी। और लाहौर यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी के बी सी साहब के साथ मैं बैठा हूँ। मैं सोचूँ कहाँ क्या कहूँ, इसी देर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन द इशू। साइकोलॉजी में तो आई कैन टेल यू एनीथिंग बट दिस इज नॉट। तो मैंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो आई लाइक टू स्पीक इन हिंदी। हिंदी समझिए, उर्दू समझिए, इंग्लिश में भी मैं कहना चाहता हूँ। आई फील ऑनर्ड टू बी हियर इन लाहौर एंड टू पंजाब यूनिवर्सिटी बिकॉज आई बिलोंग टू दिस प्लेस। आई हैव कम टू माई बर्थ प्लेस। तो मैं तो लगता है घर आया हूँ। ऑडियंस वाज सो रिस्पॉन्सिव, उनको समझ पड़ी कि क्या बात हो रही है। मैंने कहा मैं शुरुआत तो ये करना चाहता हूँ कि एक हमारे सारे इलाके के सबसे बड़े शायर थे अल्लामा इकबाल, एक शेर बोला करते थे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो जब बोला तो देन सेकंड टाइम, थर्ड मैंने कहा कि एक लड़की मिली है यहाँ पे, वो लाहौर में पैदा हुई है, मैं अभी लाहौर में पैदा हूँ, हमारी एक रिश्तेदारी है साइकोलॉजी, उसके लिहाज से ये मेरी बहन लगी। हम शीरा पता नहीं कब बिछड़ गए थे, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतने लोगों को कुछ गिफ्ट ला के देनी चाहिए। मैं सिर्फ एक गिफ्ट लेके आया, वो सिर्फ उसके स्टेज पे बुला के पाकिस्तान आप गले एक शॉल। शी मस्ट हैव क्राइड इवन आई फेल्ट। एंड उसके बाद मैंने कहा कि ज्योग्राफी में और पॉलिटिक्स में बहुत सरहदें होती हैं, साइकोलॉजी में कुछ नहीं होता, फ्री फ्लो होता है, थॉट्स के रिलेशनशिप होता है, आइडियाज़ चलते हैं, थ्योरीज बनती हैं, पर वो सांझी होती हैं, उसमें कोई एक इलाके का या दूसरे इलाके। मैं चाहता हूँ कि ये सारे बॉर्डर्स पॉलिटिकल तो रहे, मेंटल ना रहे। वो फिर तो आई थिंक ऑडियंस वॉज विद मी, और आई हैव नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ एनी कॉन्फ्रेंस इवन दिस। आई एम द लास्ट प्रेजिडेंट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, तो हमने चंडीगढ़ में की थी एंड वॉज द प्रेजिडेंट लार्ज उन्होंने साथ। कभी इतना, कभी इतना वो आपका जो होता ना इस्तकबाल जो कहते हैं कहीं नहीं हुआ। मैंने मस्ट हैव अटेंडेड अबाउट 200 कॉन्फ्रेंसेस अब्रॉड सिंस 69। और लाहौर से जब लौट के आते एक दिन ऋषि साहब बैठे हुए मेरे साथ सेकंड में, तो उन्होंने मुझे कोनी मारी। सुनो ना, वो लड़के अपना ड्रामा ड्रामा कर रहे थे, देवर यू नो डूइंग एंटरटेनमेंट, तो मैं उनके साथ बैठा। उस वक्त एंटरटेनमेंट थोड़ा होती है, उस वक्त तो आप बातें कर रहे हो। तो इन्होंने इशारा दिया कि इनको कहो दोबारा करें। वो प्ले हुआ, प्ले में कहा था एक दीवाना सा आदमी आया है बॉर्डर के पास, कहता है हर सर हदे मिट जाए। जाता हूँ कि नहीं, प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी सबकी समस्याएं एक है। वो आपने कहा ना पढ़ाई लिखाई की बात, अगर सभी लोग लगभग पढ़ जाए और एक बार वो सोचे कि उनकी दुश्मनी गरीबी से, इनइक्वालिटी से, बात तो तब बदलती, बाकी तो बनाई जाती है जो मतलब लिफाफा चला दो। तो मैं तो आपके साथ हूँ, आप एक कराएं, 20 कराएं, 40 कराएं, मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग पढ़ें। और अनपढ़ता सब जगह है, सही बात, अलग अलग तरह की है, एक एटीट्यूड की है, वो सबसे डेंजरस है। सही है, ठीक है, थैंक यू।